हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AS क्लासेस 1-3 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में RAC ट्रेड के जो जो कंप्रेसर नामक चैप्टर से लिया गया है उसके वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो ALP CBT 2 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो हमारी टीम कोशिश कर रही है कि आप लोगों को जल्द से जल्द पूरी की पूरी वीडियो मिल जाए, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहां से जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और वहां से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में निकाली गई ऊष्मा व रेफ्रिजरेंट पर किए गए कार्य का अनुपात कहलाता है कंप्रेसर का परफॉर्मेंस गुणांक। क्या कहलाता है दोस्तों? कंप्रेसर का परफॉर्मेंस गुणांक। अगला है दोस्तों, कंप्रेसर के प्रकार। तो कंप्रेसर के कितने प्रकार होते हैं? तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, घुर्डी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, अपकेंद्री कंप्रेसर। तो दोस्तों, कंप्रेसर के चार प्रकार हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, घुर्डी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और अपकेंद्री कंप्रेसर। दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। सिलेंडर में प्रवेश करने वाली गैस के वास्तविक आयतन से विस्थापित आयतन के अनुपात को कहते हैं सिलेंडर में प्रवेश करने वाली गैस के वास्तविक आयतन और विस्थापित आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? आयतनिक कार्यकुशलता। क्या कहते हैं दोस्तों? आयतनिक कार्यकुशलता कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, पिस्टन बनाए जाते हैं, जो पिस्टन होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम धातु से। किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? या तो कास्ट आयरन से बनाए जाएंगे या तो एल्युमिनियम धातु से। तो दोस्तों, पिस्टन कास्ट आयरन या एल्युमिनियम धातु से बनाए जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न क्षमता कंट्रोल है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में प्रयोग में लाई जाने वाली जो क्षमताएं हैं वो विभिन्न क्षमता कंट्रोल क्या है? तो दोस्तों, सक्शन वाल्व लिफ्ट कंट्रोल। क्या है दोस्तों? सक्शन वाल्व लिफ्ट कंट्रोल। सिलेंडर हेड बाईपास सिस्टम, सिलेंडर हेड बाईपास सिस्टम। स्पीड कंट्रोल मल्टीपल यूनिट। तो दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में प्रयोग में लाने जाने क्षमता जो है, सेक्शन वाल्व लिफ्ट कंट्रोल, सिलेंडर हेड बाईपास सिस्टम, स्पीड कंट्रोल मल्टीपल यूनिट है। तो दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। एक यूनिट जिसमें कंप्रेसर और मोटर एक ही हाउसिंग में लगे होते हैं कहलाते हैं। एक यूनिट जिसमें कंप्रेसर और मोटर एक ही हाउसिंग में लगे होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, हर्मेटिकली सील्ड यूनिट, हर्मेटिकली सील्ड यूनिट कहलाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सील्ड यूनिटों में कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। सील्ड यूनिटों में कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं, घुर्डी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो दोस्तों, सील्ड यूनिटों में घुर्डी कंप्रेसर को प्रयोग करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, जो कंप्रेसर को ठंडा रखता है उसे कहते हैं, जो कंप्रेसर को ठंडा रखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो वेट कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कंप्रेशन कहते हैं। वेट कंप्रेशन की हानि है, वेट कंप्रेशन की हानि क्या होती है दोस्तों? यह इलेक्ट्रिक मोटर पर अतिरिक्त लोड लगाता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उस पर अधिक ज़्यादा ये लोड देता है, यानी ज़्यादा लोड, अतिरिक्त लोड देता है। अगला देखते हैं दोस्तों, कंप्रेसर में समतल सतहों के बीच लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए प्रयोग होता है। कंप्रेसर में समतल सतहों के बीच लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों, क्या होता है वो? गैस्केट होता है। गैस्केट को का प्रयोग हम कंप्रेसर में समतल सतहों के बीच लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों,
मोटर की माउंटिंग, कपलिंग, अलाइनमेंट, मोटर की लुब्रिकेशन और शाफ्ट सीलों पर रेफ्रिजरेंट लीकेज की समस्या को दूर किया है। तो क्या किया है दोस्तों, हर्मेटिकली कंप्रेसर के प्रयोग से। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसरों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो दोस्तों जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसरों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, घरेलू रेफ्रिजरेटर्स या छोटे कूलर में। तो जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं या छोटे कूलर्स होते हैं उसमें हम लोग हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसरों का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सील्ड यूनिट के मुख्य पार्ट्स के नाम हैं। सील्ड यूनिट के मुख्य पार्ट्स के नाम हैं इलेक्ट्रिक मोटर, कंप्रेसर, मफलर, डोम। ये सील्ड यूनिट के प्रमुख पार्ट हैं दोस्तों। तो जिसमें है इलेक्ट्रिक मोटर है, कंप्रेसर, मफलर और डोम। अगला देखते हैं दोस्तों, क्रैक शाफ्ट को अच्छी तरह से संतुलित किया जाता है। क्रैक शाफ्ट को अच्छी तरह से संतुलित किया जाता है तो अनावश्यक कंपन को दूर करने के लिए, यानी अनावश्यक कंपन को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्रैक शाफ्ट को अच्छी तरह संतुलित रखने के लिए अनावश्यक कंपनों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, चूसड़ और विसर्जन लाइन में प्रयोग की जाने वाली युक्ति जिससे कंप्रेसर द्वारा होने वाले पंपिंग आवाज़ को कम किया जा सकता है। चूसड़ और विसर्जन लाइन में प्रयोग की जाने वाली युक्ति जिससे कंप्रेसर द्वारा होने वाले पंपिंग आवाज़ को कम किया जाता है तो वह किससे कम किया जाता है, मफलर से। किससे कम किया जाता है दोस्तों, मफलर से किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों की तुलना में स्क्रू कंप्रेसरों के लाभ हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों की तुलना में स्क्रू कंप्रेसरों से क्या लाभ होते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं। अधिक विश्वसनीय, उच्च आयतनिक कार्यकुशलता, कम कंपन, कम घिसावट। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों की तुलना में जो स्क्रू कंप्रेसर होते हैं उसके लाभ हैं कि अधिक विश्वसनीय होता है, उच्च आयतनिक कार्यकुशलता होती है, कम कंपन, कम घिसावट। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके RAC ट्रेड के LP CBT 2 के लिए जितने भी वीडियो हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, संधारित्र का तापमान स्थिर रखते हुए यदि प्लांट के इवेपोरेटर का तापमान कम किया जाता है तो कंप्रेसर को हार्स पावर की आवश्यकता होती है। तो संधारित्र का तापमान स्थिर रखते हुए यदि प्लांट के इवेपोरेटर का तापमान कम किया जाता है तो कंप्रेसर को हार्स पावर की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है, या तो कंप्रेसर को अधिक हार्स पावर की आवश्यकता होती है। कितनी अधिक हार्स पावर की, कम की नहीं, अधिक की होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग यूनिट के कंप्रेसर के चूसड़ पाइप का व्याप्त निर्गत पाइप की तुलना में छोटा होता है या बड़ा होता है। तो रेफ्रिजरेटिंग यूनिट के कंप्रेसर के चूसड़ पाइप का व्याप्त निर्गत पाइप की तुलना में छोटा होता है या बड़ा होता है। तो दोस्तों बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, हवा को रेफ्रिजरेंट की तरह प्रयोग करने वाले सिस्टम को का COP लगभग होता है। हवा को रेफ्रिजरेंट की तरह प्रयोग करने वाले सिस्टम का COP लगभग होता है। तो दोस्तों कितना होता है, -0.6 होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अमोनिया को रेफ्रिजरेंट की तरह प्रयोग करने वाले सिस्टम का COP कितना होता है। तो इसका 4.0 होता है। कितना होता है, 4.0 होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्लियरेंस आयतन बढ़ता है तो कंप्रेसर की आयतनिक कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। तो आयतनिक कार्यकुशलता कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। जब क्लियरेंस आयतन का आयतन बढ़ता है तो कंप्रेसर का आयतनिक कार्यकुशलता पर
प्रभाव जो है तो आयतनिक कार्यकुशलता कम हो जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्लियरेंस आयतन बढ़ता है तो कंप्रेसर की कुल दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। तो क्लियरेंस आयतन जब बढ़ता है तो कंप्रेसर की कुल क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, कुल क्षमता गिर जाती है, क्या होती है, गिर जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेट के ओवर चार्ज होने से कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा या बंद हो जाता है। परफॉर्मेंस गुणांक COP का मान होता है, तो इसका जो मान होता है एक या एक से अधिक होता है, क्या होता है दोस्तों, एक या एक से अधिक होता है। अगला देखते हैं, कंप्रेसर की आयतनिक कार्यकुशलता पर कंप्रेसर अनुपात का प्रभाव पड़ता है। कंप्रेसर की आयतनिक कार्यकुशलता पर कंप्रेसर अनुपात का प्रभाव पड़ता है। कंप्रेसर अनुपात बढ़ने से आयतनिक कार्यकुशलता कम हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, आयतनिक कार्यकुशलता कम हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, CSR से अभिप्राय है, CSR से अभिप्राय है, CSR का क्या अभिप्राय होता है, तो CSR कंप्रेसर मोटर का टर्मिनल होता है, क्या होता है, कंप्रेसर मोटर का टर्मिनल होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, CSR का पूरा नाम, CSR का पूरा नाम होता है कॉमन स्टार्ट रन, यानी सी से कॉमन, एस से स्टार्ट और आर से रन होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रकार के पंप हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी किस प्रकार के पंप हैं, तो दोस्तों यह रोटरी प्रकार के, किस प्रकार के पंप हैं, रोटरी प्रकार के पंप हैं। अगला देखते हैं, वह युक्ति जिसके द्वारा द्रव के कम दाब को उच्च दाब में बदला जाता है कहलाता है, वह युक्ति जिसके द्वारा द्रव के कम दाब को उच्च दाब में बदला जाता है तो वह क्या कहलाता है, पंप या कंप्रेसर, क्या कहलाता है दोस्तों, या तो पंप कहलाएगा या कंप्रेसर कहलाएगा। अगला देखते हैं, ब्राइन के चक्रण के लिए प्रायः पंप प्रयोग किया जाता है, ब्राइन के चक्रण के लिए प्रायः कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है, तो अपकेंद्री पंप, कौन सा, अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रयोग किया जाता है। पंप अनेक प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों पंप कितने पंप देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ दिया हुआ है, पश्चाग्रगित पंच, घूर्णी पंप, अपकेंद्रीय पंप, ये सब पंप के प्रकार हैं। अगला देखते हैं, कंप्रेसर स्टेटर में दो बाइंडिंग्स होती है जिन्हें कहते हैं, कंप्रेसर स्टेटर में दो बाइंडिंग होती है जिन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक स्टार्टर बाइंडिंग कहलाता है और एक रनिंग बाइंडिंग कहलाता है। अगला देखते हैं, सील्ड कंप्रेसर में तेल को भरना चाहिए, सील्ड कंप्रेसर में तेल को भरना चाहिए, पूरे कंप्रेसर की इनर बॉडी में मेन बियरिंग तक, यानी सील्ड कंप्रेसर में तेल को भरना चाहिए पूरे कंप्रेसर की इनर बॉडी में और मेन बियरिंग तक भरना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, यह कंप्रेसर जिसमें क्लियरेंस आयतन नहीं होता है, यानी जिस कंप्रेसर में क्लियरेंस आयतन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू कंप्रेसर, क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्रू कंप्रेसर में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने अधिक